कमला का पति एक दिन अचानक दिन के खाने में अपने एक मित्र को अपने साथ ले आया। कमला ने रोज की गिनती के हिसाब से रोटी बनाई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पति और उसके मित्र को पर्याप्त भोजन परोसा। भोजन परोसने के बाद सिर्फ 4 रोटी बची थी। कमला के पति ने जल्दी जल्दी अपना भोजन समाप्त कर लिया और जैसे ही कमला और रोटी उसे परोसने लगी, उसके पति ने कहा, मेरा पेट भर गया है क्योंकि आज मैंने एक रोटी ज्यादा खा दी है, क्योंकि तुमने सब्जी और दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। उसके बाद कमला उसके मित्र को और खाना परोसने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उसका मित्र, जो शायद थोड़ा और खाना खाना चाहता था, बोला, भाभी आज मैंने भी ज्यादा खा लिया है, अब पेट में जगह नहीं है। और इतना कहकर दोनों टेबल पर से उठ गए और हाथ धोने के लिए चले गए। बाद में कमला का पति किचन में जाता है और कमला से बोलता है, 4 रोटी बची हुई तुम खा लेना। उसके इतना बोलते ही कमला खुशी से भर गई कि उसके पति ने कितनी सूझबूझ से काम लिया और अपनी पत्नी का भी ध्यान रखा। कमला चाहती तो अपनी पति पर इस बात के लिए गुस्सा हो सकती थी कि वह अपने मित्र को अचानक खाने पे ले आया है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके पति ने भी उसका ध्यान रखा और दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और आदर को प्रकट किया। मित्रों, पति और पत्नी का रिश्ता आसमान में जोड़ा जाता है, इसलिए बाइबल की मलाकी नामक पुस्तक के दूसरे अध्याय के 14 पद में लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी के संगनी और ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। इसलिए मित्रों, जब परमेश्वर पति पत्नी के बीच रिश्ते का साक्षी या गवाह है, तो आज आवश्यक है कि पति पत्नी इस रिश्ते को गंभीरता से लें।